वो कैसी है आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है ड्रेसेस के रिव्यूज के बारे में, जो कि मैंने दराज से परचेज किए थे। मैंने नहीं, एक्चुअली मेरी सिस्टर्स ने परचेज किए थे, तो मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ और वहाँ से मैं उठा के लेके आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि वो ड्रेसेस जो है ना वो दराज पे बेशुमार सेलर्स के पास मौजूद हैं, तो आपको ख़रीदने से पहले ना कुछ आइडिया मिल जाएगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। तो अब मैं आपको वंदा वन के ड्रेसेस दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला ड्रेस, जो कि आपको दराज पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, इंस्टा पे भी नज़र आ रहा होगा, पॉपकॉर्न वाला आ गया तो बैकग्राउंड में उसका म्यूज़िक चल रहा होगा। ये आपको इंस्टा पे भी नज़र आ रहा होगा, 1500 से 2000 के दरमियान में ये लिया है दराज से मेरी सिस्टर ने, 2000 का। अब मैं आपको दिखा दूँगी ये किस तरह से देखता है। अच्छा, दुपट्टा जो है ये इसका शिफॉन का है और इसके बॉर्डर पे ना चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी भी है। ये इसकी एम्ब्रॉयडरी भी है और ये बिल्कुल सेम एम्ब्रॉयडरी जो है ना ये दुपट्टे के चारों पल्लुओं पे है, मतलब और लेकिन इसकी चौड़ाई जो है ना दुपट्टे की सिर्फ इतनी सी है। पता नहीं आपको नजर आ रहा होगा या नहीं, पूरा चौड़ाई बहुत कम है और लंबाई जो है ना वो ठीक है। मैं बता देती हूँ, जो दुपट्टे की लंबाई है ना वो 2 गज की है और चौड़ाई जो है वो कम है, तो ये बात आप जहन में रखिएगा। ठीक है, ये आ गया दुपट्टा और ये आप देख लें इसके चारों तरफ ना एम्ब्रॉयडरी आपको नजर आएगी। ठीक है, और जो ये दुपट्टे का मटेरियल है ये शिफॉन का है। इसके बाद अगर इसकी मैं आपको ये दिखाऊं शर्ट, तो शर्ट जो है ना ये कपड़ा जो है ना ये इतना अच्छा नहीं है, आपको खुद अगर देखने से नज़र आ रहा होगा ये अकड़ा अकड़ा सा है। मतलब एक होती है ना सॉफ्ट सिल्क शमोज होती है, ये वो नहीं है, ये थोड़ा जैसे कम पैसों वाला आप समझ लें कि उस तरह का कपड़ा है, कम पैसों वाला। और इसके इधर पैच ये आगे बाजुओं पे लगाया हुआ है ये, और ये इसके दूसरे बाजू पे, और जो इसका गला है ना ये राउंड करके तो आगे पैच लगाया हुआ है, लेकिन मुझे ना ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो नीचे कपड़ा है ना जिसपे ये एम्ब्रॉयडरी भी है ये बहुत सख्त है, तो ये चुभता है, ये ऐसे मतलब बिल्कुल गले के साथ लगता है, तो ये यहाँ से चुभन होती है, मतलब सॉफ्ट नहीं है। अगर ये इस तरह शिफॉन का जैसे दुपट्टे पे इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ये वाला पैच अगर इधर लगा होता तो शायद वो चुभता ना, लेकिन ये जो है ना ये अनकंफर्टेबल बंदे को लगता है गले के साथ लग लग के, तो वो जैसे चुभन सी होती है। ठीक है, और साइज जो है ना ये इसका मीडियम है, लेंथ भी ठीक है, लेकिन अगेन स्टफ जो है ना ये आपको वीडियो में शायद सही से पता ना चले, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, हल्की क्वालिटी का स्टफ है, सीधी सी जो बात है। और इसका जो पजामा है वो है ये, ये इसके नीचे भी पैच लगा हुआ है। पहना हुआ ये बुरा बिल्कुल भी नहीं लगता। और एक जो मुझे इसकी बात अच्छी नहीं लगी ना वो ये कि आपने फ्रंट पे एक पैच लगाना है, आप उसको पूरा लगाएं, ये इन्होंने दरमियान से जैसे जोड़ रख के तो वो पैच लगाया हुआ है, तो ये देखें इसकी जो लुक आती है ना इधर जोड़ आपको नजर आएगा। तो ये था ये वाला ड्रेस, ये जो साइज है ये मीडियम है और 2000 का ना डिलीवरी के साथ ये मिला था, तो अब आपको ये मुख्तलिफ सेलर्स पे मुख्तलिफ प्राइस का मिल सकता है, कहीं पे 1400 का भी है, 1500 का भी है, इंस्टा पे भी ये अवेलेबल है, मैंने देखे हैं ये ड्रेसेस। तो अगर आप ये ड्रेस लेना चाहती हैं सोच समझ के लें, क्योंकि ये मतलब कोई इतना बंदा कहता है ना कि बहुत ही अच्छी चीज़ उतना नहीं है, बस हल्की क्वालिटी का है, आप ये समझ लें और बस ठीक है। हाँ, अगर इसको पहन के मेकअप वगैरह कर लें, ज्वेलरी पहन लें, तो आपको कोई भी नहीं कह सकता कि आपने कोई हल्का स्टफ पहना हुआ है या ये कपड़ा अच्छा नहीं है। बाकी ये कपड़ा जो है ना ये अंदर से ओवरलॉक भी नहीं हुआ और इसके धागे निकल रहे हैं, तो इसको अंदर से ओवरलॉक करवाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये भी मैं छेड़ नहीं रही क्योंकि मैंने कह चाहती कि ये ख़राब हो, तो ये इसी तरह सारा है अंदर।
दिल से। तो ये रहा जी ये वाला ड्रेस। अब चलते हैं अपने दूसरे ड्रेस की तरफ। ओके है ये टॉप है और ये भी जो स्टफ है ना ये लिनन का स्टफ है और बहुत सॉफ्ट है। स्टिचिंग इसकी बहुत अच्छी है, नीट है, कोई ख़राबी नहीं है। और ये इसका फ्रंट है, इस पे जो ये बीड्स लगे हुए हैं ना ये अटैच हुए हुए हैं, मतलब इसके गिरने का भी कोई चांस नहीं है, ना ग्लू से लगे हैं ना कोई ये टांके से लगे हुए हैं, क्योंकि टांके बाज को बहुत हल्के होते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब पूरे ड्रेस पे ना ये इसी तरह अटैच हुए हुए हैं पक्का। सो ये इसका गल है और ये इसके बाजू है। बाजू पे आप देख लें ये डिज़ाइन भी बना हुआ है और यहाँ पे आके इसकी चुनट्स बनी है और यहाँ पे ये टाई होगा, ये जो नीचे बना हुआ है ये नॉट यहाँ पे बन जाएगी। सो ये इसके बाजू है और दूसरा बाजू है इसका, ये बिल्कुल सेम। और इसके नीचे भी ना इसी तरह बीड्स लगे हुए हैं जिस तरह ये गले पे और बाजुओं पे लगे हुए हैं। पीछे से ये बिल्कुल सिंपल है। इसके साथ जो पजामा है वो है बेल बॉटम और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऑफ वाइट कलर का है पजामा, इसका भी स्टफ बहुत सॉफ्ट है, लिनन की है और स्टिचिंग भी इसकी अच्छी है। ये नीचे से बेल बॉटम और यहाँ पे इसकी चुनट्स पड़ी हुई है। मतलब ये ड्रेस जो है ना ये 10/10 है, स्टिचिंग भी अच्छी है, कपड़ा भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है और लेंथ भी जो टॉप की छोटी नहीं है, आराम से आपके जैसे हिप्स के ऊपर कवर होता है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट है। तो ये ड्रेस भी मुझे अच्छा लगा। तीसरा मैं आपको दिखाती हूँ, फ्रॉक है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी जो साइज़ है ये मीडियम है, ये आप चेक करें। ये इसका फ्रंट है, ये भी लॉन्ग फ्रॉक है और मीडियम साइज है। नेक पे इसकी चुनट्स पड़ती हैं, यहाँ पे इसकी जिप लगी हुई है पीछे ओपन करके पहनने के लिए, ठीक है। और ये इसका ऐसे नेक पे आएगा। इसके बाद ये है इसके बाजू, ये बाजू पे भी आगे इसके चुनट्स हैं ये देखिए, और अच्छा है। कपड़ा जो है ये उसका है शिफॉन का और बहुत अच्छा कपड़ा है। नीचे इसकी जो लाइनिंग है वो भी स्टिच हुई हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका दूसरा बाजू है, ये अब नीचे आ जाए तो ये वेस्ट में भी इसकी ये चुन्नटें पड़ी हुई हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो ये देखिए। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, एक स्लीक सी लुक आती है और थोड़ा जैसे ऊपर से लूज होता है क्योंकि ये मीडियम साइज है। तो अगर इसको फिटिंग ना भी करें ना ऐसे भी चल जाएगा, क्योंकि इसके बाजू में भी आगे से फिटिंग है, नेक पे भी आ जाती है, वेस्ट पे भी फिटिंग आ जाती है। तो इसको इतना फिट करवाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बिल्कुल आपके जैसे साथ चिपकाओ। तो ये इसकी लेंथ है नीचे तक, मतलब अच्छी खासी है और वैसे ही सिंपल है। पीछे से भी सिर्फ इसकी जिप लगी हुई है कि ताकि पहनने में आसानी हो और बाकी कुछ भी नहीं इस पे लगा हुआ, कोई भी बीड वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बहुत एलिगेंट लगता है। और इसके नीचे इसकी लाइनिंग भी स्टिच हुई हुई है ये देखिए, ये मलाई कपड़ा जो होता है वो है। इसकी प्राइस जो है वो मैं देख के ना ऊपर वीडियो में मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। और बाकी मेरी तरफ से ये जो फ्रॉक है बिल्कुल रिकमेंडेड है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है, नीट है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और ये बहुत ज़्यादा गर्मी में पहनने वाला नहीं है, लेकिन ओपन सीजन में ही जो प्रिंट है, कपड़ा है, स्टफ वगैरह सब कुछ बिल्कुल ना परफेक्ट रहेगा। तो थर्ड जो था वो ये था। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट ड्रेस जो कि मेरी सिस्टर ने लिया था। सबसे पहले तो ये उसके शर्ट जो है सबसे नीचे पहले पहनी जाएगी वो है मीडियम साइज़ है, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा था ये वैसा ही है। स्टफ़ जो है ये लिनन का है और स्टिचिंग भी इसकी ठीक है, बिल्कुल सही सिलाई वगैरह लगी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि गंजन मारा हुआ है या सर से उतारा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये आएगा, उसके ऊपर था ये फ्रॉक। अच्छा इसको मैंने ठीक किया है, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये भी मीडियम साइज़ था,
स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, तो ऊपर से ये कुछ इस तरह से दिखता है, नीचे से आके ये बिल्कुल सिंपल प्लेन फ्रॉक है। ये देखिए इसको मैंने कटिंग किया हुआ नीचे से भी। अच्छा इसमें जो मसला था ना वो ये था कि जो इसकी स्ट्रैप्स थी ना वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, और अगर इसको पहनते थे तो वो बिल्कुल जैसे वेस्ट तक आ रही थी। इसको मैंने जो स्ट्रैप्स है ना काटी हैं 6-6 इंच दोनों साइडों से, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितनी लंबी थी। ये तकरीबन इतनी लंबी थी, तो बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रैप्स थी, वो बिल्कुल भी जैसे ना फिट ही नहीं हो रहा था। स्ट्रैप्स काटी हैं। दूसरा ये जो इसकी फिटिंग है ये स्मॉल साइज में चाहिए था, लेकिन ये था मीडियम साइज तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ा था, तो इसको मैंने अभी मैंने कटिंग नहीं की है, ये मैंने सिलाई लगाई हुई है, इसको कटिंग करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ ताकि कुछ आइडिया। इसको मैंने दोनों साइडों से ना इतना इतना अंदर से फोल्ड किया। ये देखें यहाँ पे मैंने इसकी सिलाई लगाई है और अंदर से इतना इतना जो है ना ये फोल्ड मैंने किया दोनों साइड से, और फिर फिटिंग जो हो गई है वो बिल्कुल ठीक, और स्ट्रैप्स मैंने दोनों काट के तो फिर से इसको अटैच किए इनके साथ। तो अब जो ये साइज़ है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है स्मॉल साइज़ के लिए। नीचे से भी मैंने इसके 2-2 इंच की जो है ना कटिंग की है, ये जो फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा था ना उसकी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, इसको भी मैंने फोल्ड करना है। वजह ये है कि उसकी हाइट के हिसाब से ना वो एड़ियों तक आ रहा था, तो ये इतना होना चाहिए कि एंकल से थोड़ा थोड़ा ऊपर हो कि पाँव कुछ नज़र भी तो आए ना कि पाँव है क्या, ये लहंगा नहीं है ये फ्रॉक है असल में। सो इसलिए मैंने 2 इंच नीचे से काटा है। अभी मैं इसको फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने कहा फटाफट वीडियो बन जाए, क्योंकि अभी चल रही है सेल दराज की, तो अगर कोई परचेज करता है तो वो सोच समझ के ले कि स्मॉल साइज वालों को तो ये स्ट्रैप्स भी काटनी पड़ेगी और इसकी फिटिंग भी करनी पड़ेगी। नीचे से भी शायद आपको काटनी पड़े, थोड़ी सी ऑल्टरनेशन आपको करनी पड़ेगी, बाकी स्टफ स्टाइल वगैरह जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके ऊपर आता है ये शर्ट, आती है इसके ऊपर आती है ये वाली शर्ट। ये असल में 3 पीस था, बाजू इसकी बिल्कुल सिंपल है और ये आगे कॉलर लगा हुआ है, दूसरी बाजू भी सिंपल है। और ये शर्ट के ना ये जो फ्रंट है ना दोनों तरफ नॉट आप लगाएंगे, ये इन्होंने लगाया हुआ है नॉट बनाने के लिए तो ये मतलब इसकी कोई यहाँ पे बटन वगैरह नहीं है। पिक्चर में अटैच कर दूंगी ताकि आपको आसानी हो, जिस समझ आ जाए। 3 पीस ये ड्रेस था। उससे पहले थी ये शर्ट जो कि मैंने आपको दिखाई, बिल्कुल इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, ये देखने काफ़ी खुली है, जो लोग हेल्दी हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। दूसरा सेकेंड नंबर पर आप पहनेंगे फिर इसको, और ये लॉन्ग फ्रॉक है इसके नीचे आप टाइट्स वगैरह पहनेंगे। थर्ड नंबर पे आएगा ये शर्ट, ऊपर से आएगी थर्ड नंबर पे आएगी ये शर्ट, और ये सिंपली आगे से बस एंड से ये बंद होगी, बाकी इसमें कोई बटन वगैरह नहीं है दोनों साइड्स पे। तो जो भी ले रहा है ले ले, थोड़ा सा ऑल्टरनेशन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अच्छा अब चलते हैं अपने लास्ट फाइनली ड्रेस की तरफ, जो कि मंगवाया तो मेरी बहन ने था, लेकिन वो साइज इस तरह का आया ना कि वो मेरी मम्मी को भी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये था ड्रेस, इसमें आपको बहुत से कलर मिल जाएंगे, पर्पल ये वो पता नहीं मस्टर्ड भी था शायद। तो ड्रेस प्यारा है, कपड़ा जो है ये लिनन का है और उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी भी की है। सबसे पहले तो ये गले पे आप देखिए, ये गले पे, उसके बाद ये बाजू है इसके बिल्कुल सिंपल, बाजू इसके सिंपल है मतलब कोई डिज़ाइन नहीं है, एम्ब्रॉयडरी भी है और आगे से ये पाइपिंग वो लगी हुई है, ठीक है। और इसके भी दूसरा बाजू ये है, और साइज ये असल में मीडियम था, लेकिन ये असल में मेरी अम्मी को भी खुला है, मतलब ये देखिए ये है। अच्छा इसके इधर पॉकेट्स भी है, टिंग 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 मतलब अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए काफ़ी चौड़ा है, नज़र आ रहा होगा तो अच्छा ये काफ़ी चौड़ा है, ये देखें इसके यहाँ पे डिज़ाइन है बना हुआ, ठीक है। हम ऊपर से नीचे जाते हैं, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, ये देखें ये ऊपर से
ये नीचे आ गए हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे ना पॉकेट है, और उसके बाद है ये नीचे आ गया नजर। मतलब नीचे तो कुछ बना नहीं हुआ, नीचे से तो बिल्कुल सिंपल कमीज है, और ये यहाँ पे दो पॉकेट्स हैं, और पीछे से भी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब इसका जो है पजामा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसका ट्राउजर, और ये है इसके ट्राउजर पे नीचे एम्ब्रॉयडरी। मतलब नीचे सिर्फ ट्राउजर पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कपड़ा स्टिचिंग सब कुछ परफेक्ट है। ये भी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है, जो भी खरीदना चाहता है खरीदे। साइज ये देख के ले, स्मॉल मतलब कि लोगों को नहीं, मीडियम भी नहीं होगा। ये मेरी मम्मी को तो रेडीमेड तो उन्होंने खैर कभी पहने नहीं है, लेकिन ये तो मुझे लार्ज से भी बड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लूज है। तो ये अच्छा है, मतलब प्राइस तो मुझे इसकी ठीक से याद नहीं, मुझे लगता है कि ये 1600 का था, लेकिन इस प्राइस में ये अच्छा सूट है, काम शाम हुआ हुआ है जो भी है। तो साथ ये आप ब्लैक दुपट्टा आराम से ले सकते हैं इसके। तो ये हमने कहा था कि अम्मी पहन लेंगी, क्योंकि ये तो मतलब ठीक नहीं हो सकता। वजह ये है कि इसके इधर भी पॉकेट बनी हुई है, आप इसकी फिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ से भी इसकी एम्ब्रॉयडरी भी है, नीचे जो घेरा है इसका वो भी बड़ा है। तो इस वजह से ना इस सूट की ऑल्टरनेशन नहीं हो सकती है। मतलब मेरे पास तो इतना दिमाग नहीं है, क्योंकि मुझे कोई स्टिचिंग आती नहीं है, मैं बस छोटा मोटा काम अपना दिमाग लड़ा के खुद से कर लेती हूँ। तो बाकी ये सूट भी अच्छा है। चार सूट थे, कितने सूट थे? ये थी आज की वीडियो, पांच ड्रेसेस से, पांचों के पांच मैंने आपको दिखा दिया। अब आप जो भी खरीदना चाहते हैं अपनी मर्जी से सोच समझ के लें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।